स्वागत हो। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करें उस मानक के अनुसार जितना विकास कार्य होना चाहिए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैकेज अयोध्या को दिया है। मैं समझता हूँ कि अयोध्या का जब समुचित विकास होगा, भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग वहाँ आना शुरू करेंगे और उन सब दृष्टियों से मेरा अयोध्या जब पूरी दुनिया में जाना जाएगा तो आगे के जो काम है बहुत आसान होगा। रामलला टेंट में से बाहर कब निकलेंगे ये माना जाए, क्योंकि यही सवाल रहता है कि रामलला तो टेंट में सारा आयोजन किस काम का जब रामलला टेंट में है। बात बहुत सही है आपकी, भगवान रामलला जी वहाँ पर विराजमान है, दुनिया वहाँ पर दर्शन करने जाती है, हम भी अभी दर्शन करके वहाँ से आ रहे हैं। वो मंदिर भव्य बनना चाहिए, हम सब लोगों की इच्छा है, वो आस्था का केंद्र है, हम सब लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। जन जन यह चाहता है कि वहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया जो है आप सब जानते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है और जब वहाँ से कुछ निर्णय आएगा उसके बाद जो प्रक्रिया कानून लाके मंदिर का निर्माण। निश्चित रूप से संघ परिवार या बाकी सब लोग जिस भावना के साथ इस बात को कह रहे हैं, हम सब लोग भी उसमें जुड़े हैं। सबकी मंशा है कि मंदिर जल्दी बन जाए और इसलिए लोग कहते हैं कुछ भी करना पड़े मंदिर को जल्दी बनाया जाए, और निश्चित रूप से मंदिर जल्दी बनना चाहिए और भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम सब लोगों की इच्छा है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, जन जन के हम सब लोगों की आस्था के केंद्र है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के अधीन ही मंदिर बन सकता है। शहरों के नाम पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये कोई मुद्दा बीजेपी में बचा नहीं है, इसलिए बस यही नाम बदलने में लगे। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हजारों साल 1,98,00,000 86,86,520 वर्ष पहले भी हमारा ये नाम अयोध्या था, आज भी नाम अयोध्या है। प्रयागराज वेदों पुराणों उपनिषदों में सब जगह प्रयागराज ही थे, कभी इलाहाबाद नहीं था, कभी फैजाबाद नहीं था। बीच के किन कालखंडों में कैसे आया आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसलिए हम लोग को लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का विषय है और हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है कि हम लोग अयोध्या और प्रयागराज बोल पाएंगे, कह पाएंगे और दुनिया जिस नाम से उनको जानती थी उस नाम से। कई शहरों से भी ये मांग उठने लगी है, आगरा की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, नाम बदलने। देखिए हम जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी के अनुसार है, माननीय बहुत अनुभवी है, बहुत अच्छे कामों को कर रहे हैं और विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जब तक उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए भारत के अंदर मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1।